नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इस कंपनी में एक भी शेयर होल्ड करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टारगेट के बारे में, कंपनी का जो फ्यूचर क्या रहने वाला है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और मेरे से भाई उसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चैनल पर शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम लोग फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 2 रुपये 15 पैसे पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अप्रोक्स अपने ऑल टाइम लो के आसपास हम लोग को ये शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन शेयर में हम लोग अप्रोक्स 5 पैसे तक की बढ़त देखने के लिए मिली है। पिछले 5 दिन के बारे में बात करें तो 5 पैसे तक की गिरावट, पिछले 1 महीने 45 पैसे तक की गिरावट और पिछले 6 महीने में अप्रोक्स 4 रुपये 70 पैसे तक की गिरावट हम लोग को इस शेयर में देखने के लिए मिल चुकी है। बात करते हैं फ्यूचर कैसा रहने वाला है फ्यूचर कंज्यूमर का। तो देखा जाए इस शेयर में जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जहां ये हम लोग एक प्राइस में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह के सिनेरियो में बहुत बार हम लोग क्या देखने के लिए मिलता है, जो उसका सपोर्ट रहता है जो यहाँ पे 2 रुपये 5 पैसे है, अगर इसको ब्रेकडाउन कर देता है तो इस शेयर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि अभी देखा जाए तो इस शेयर में अभी आप लोग कोई भी एक अच्छी न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलती और शेयर में हम लोग को लगातार डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है इस शेयर में अभी आप लोग को ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इनकेस अगर रिवर्स ट्रेंड देखने के लिए मिलता है और उसका रेजिस्टेंस है 2 रुपये 65 पैसे का, उसको ब्रेकडाउन कर देता है, तो मान के चलिए आप लोग को इस शेयर में जो टारगेट रहने वाला है 4 रुपये 15 पैसे का टारगेट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये बैठता है कि अगर 4 रुपये 15 पैसे तक भी ये शेयर लगातार अपर सर्किट भी लगाता हुआ चले जाए, तब भी आप लोग मान के चलिए आप लोग को 45 से 50 ट्रेडिंग सेशन पार करने पड़ेंगे इस प्राइस को पोस्ट करने के लिए। यानी कि आप लोग 45 से 50 ट्रेडिंग सेशन का मान के चलिए ये रहते हैं आपके 2 महीने के आसपास, या 50 ट्रेडिंग सेशन 2 महीने के आसपास आप लोग को ये शेयर का प्राइस, इस शेयर का प्राइस 4 रुपये 15 पैसे तक देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक कोई अच्छी बात नहीं है कि आप लोग 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे, वो भी इतने ऐसे पेन स्टॉक में जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के मिलता है 423 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के मिलता है। कंपनी का जो पर जो डेप्ट है यानी कि कर्जा है वो देखने के मिलता है 577 करोड़ का। रिटर्न इक्विटी -100% में देखने की मिलती है। अच्छी कंपनी की रिटर्न इक्विटी देखने को मिलती है 15% से लेकर 20% तक आप लोग को देखने के मिल जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी लॉस मेकिंग चल रही है, पिछले 1 साल में कंपनी ने -17% तक का रिटर्न और पिछले 3 सालों में ग्रोथ भी कंपनी की इतनी अच्छी नहीं रही है। सेल्स के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी पिछले कुछ टाइम से लगातार लॉस में चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। इसके हम लोग इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो आज के टाइम में सिर्फ 8% रह गई है। यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है उन्हें ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है, तो जो पब्लिक है जिन लोगों ने आप लोग देखे 79% तक स्टेक होल्ड कर रहे हैं, वो कैसे इस शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो सोच समझ के आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और देखा जाए कंपनी ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप लोगों को टारगेट बता दें कि 4 रुपये 15 पैसे तक अगर ये शेयर लगातार अपर सर्किट भी लगाते हुए जाते हैं तो 45 से 50 ट्रेडिंग सेशन आप लोगों को पार करने पड़ेंगे, तब जाके कभी ये 4 रुपये तक ये शेयर आप लोगों को भी देखने के लिए मिलने वाला है। बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू सून। इस वीडियो में मैंने जितना कुछ बताया वो सिर्फ एक एजुकेशनल और नॉलेज के पर्पज़ के हिसाब से बताया। मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोग का पैसा आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क पर ही इन्वेस्ट कीजिए।